Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exemplary. आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपना अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो देखो यार, कॉमेट्री का जो है आज आप लोगों की रैंक अनाउंस हो चुकी है। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये हैं कि भैया हमारी रैंक 10,000 से ज़्यादा है तो उसमें हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उसी को लेकर हमारा डिस्कशन है। सारी सब बता दूँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है और बहुत नॉमिनल से मैंने उसके चार्जेस रखे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा की तरह सबको लेफ्ट में अपना साइज दिखाता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे SMVIT है, एक अच्छा कॉलेज है। अगर SMVIT में बात करूँ तो काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है और एवरेज पैकेज भी इसका लगभग ठीक ठाक है, जो ठीक है। तो SMVIT अगर आप देखोगे तो SMVIT लास्ट ईयर जो मिला है, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में अगर आप देखोगे तो 11,000 तक फर्स्ट राउंड में सी गई थी और आगे की कट ऑफ में और नीचे भी गई थी, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड की मैं बात करता हूँ तो निट्टी मीनाक्षी, अगर निट्टी मीनाक्षी को भी देखोगे तो उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 12,000 के आसपास गई थी। RNSIT की बात करोगे तो 16,000 के आसपास उसकी कट ऑफ जो है वो गई हुई थी, ठीक है। अब RNSIT के बाद, हाँ RNSIT, अब CMRIT की मैं बात कर लेता हूँ। CMRIT की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 18,000 तक गई हुई है। डॉक्टर अंबेडकर की अगर मैं बात करूँ तो 18,928। आचार्य की अगर मैं बात करूँ तो आचार्य की अगर आप देखोगे तो आचार्य की जो गई हुई है वो 21,000, और अगर दयानंद सागर अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट की देखोगे तो 21,746। तो ठीक है, तो ये लगभग एक रिकॉर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मतलब ECE जो ब्रांच CSIT के बाद जो सबसे प्रेफर्ड जो ब्रांच है तो वो है ECE, ठीक है। इसमें आप AI वालों को ऊपर रख सकते हैं, डेटा साइंस वालों को ऊपर रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ब्रांचेस हैं ECE एक अच्छा प्रेफरेंस है। अगर आपकी रैंक कम बनी है लेकिन आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट ईयर के पास में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं तो ECE फिलहाल आप प्लान कर लीजिए। अगर 10,000 के ऊपर आपकी रैंक है किसी अच्छे कॉलेज में प्लान कर लीजिए, जैसे SMVIT में आपने प्लान कर लिया, निट्टी मीनाक्षी में आपने प्लान कर लिया। ये मैं सिर्फ फर्स्ट राउंड का आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड राउंड का भी हम लोग आने वाले टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं फर्स्ट राउंड का इसलिए बताऊँ कि फर्स्ट राउंड में आप लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि यार इस रैंक पे क्या मिल जाएगा क्या नहीं मिल पाएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो ये इन सारी की आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है। आने वाले टाइम पे मैं CS को लेकर भी बनाऊंगा और IT को लेकर भी बनाऊंगा कि अबव 10,000 आपको कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है। तब तक के लिए इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।